मैं हमेशा यहीं से सामान लेकर जाती हूँ अंकल से। ये हमारे अंकल जिनसे मैं सामान लेके जाती हूँ। मैं जाऊंगी शॉप पे अंडर 100 रुपीज के मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए आप लोगों के सामने। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल में इतने सारे मॉइस्चराइजर की वैरायटी है। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स आपको शायद तब यकीन हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं एक अफोर्डेबल मेकअप लुक करने की सोच रही हूँ और मैंने आपको ऑप्शन दिए थे अंडर 100, अंडर 50 एंड अंडर 30 रुपीज़। तो आपने सबसे ज़्यादा जो वोट किया है वो किया है अंडर 100 रुपीज़ मेकअप चैलेंज के लिए। तो आज मैं वही करने वाली हूँ विथ प्रूफ। मैं जाऊँगी शॉप पे अंडर 100 रुपीज़ के मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए आप लोगों के सामने एंड थोड़ी बहुत बार्गनिंग भी करूँगी एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी है एंड मैं जो नहीं है मेरे पास वो मैं लेने जाऊँगी। तो उससे आपको भी आइडिया हो जाएगा अगर आप अंडर 100 में मोस्ट अफोर्डेबल बिगिनर मेकअप किट बनाने की सोच रहे हो। तो ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपकी किट बन जाए। एंड हाँ गाइज, आप इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, तभी आपको मज़ा आएगा। इसे जाती हूँ रेडी होने के लिए एंड फिर निकलती हूँ प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैं अब निकलती हूँ अंकल की शॉप के लिए एंड मैं वहीं से सारा सामान लेके आऊँगी आज। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज, यू कैन सी बहुत ज़्यादा धूप है कड़कती वाली। सो मिलते हैं अंकल की शॉप पे गाइज। तो गाइज मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। एंड मैं इनसे ही अपना सारा कॉस्मेटिक का सामान लेती हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मॉइस्चराइज़र हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल में इतने सारे मॉइस्चराइज़र की वैरायटी है। एंड सामने आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे फाउंडेशन दिख रहे हैं, ओलिविया, ब्लू हेवन, जॉय, बहुत सारे अफोर्डेबल में फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र है। ये हमारे अंकल जिनसे मैं सामान लेके जाती हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा सामान देते हैं। तो गाइज अभी मैं अंकल से अंडर 100 में जो भी मेकअप का सामान निकलवाऊंगी आप देख लेना। और फिर प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आप झूठ बोलते हो एंड अंकल प्रूफ आपको देंगे कि मैं सच में अंडर 100 में आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड, ये फेस पाउडर है ब्लू हेवन का, केवल 70 रुपये की रेंज में। ये ओलिविया का फाउंडेशन है, मिनी पैक है, 50 रुपये की रेंज में। ये भी बहुत अच्छा है। ये ब्लू हेवन का पेन स्टिक प्लस कंसीलर, ये भी बहुत काम आता है और सस्ती रेंज में है और बहुत बढ़िया है। ये आपका शिमर है, ब्लू हेवन का शिमर है, गोल्डन लुक देने के लिए 45 की रेंज में है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये 15 रुपये का रोज वाटर है, डाबर का है, ब्रांडेड कंपनी है डाबर की और 15 रुपये में आपको सारा ही सामान इसमें ब्रांड है गाइस, चाहे वो लोकल हो इंडियन हो, लेकिन है कोई भी लोकल। ब्लू हेवन का मस्कारा 55 की रेंज में है, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये ओलिविया का मॉइस्चराइजर, एलोवेरा मॉइस्चराइजर है के लिए। इसका मिनी पैक भी आता है सिर्फ 10 रुपीज का, लेकिन मुझे 100 में करना है तो मैंने ये 57 का लिया है, बट अंकल ने मुझे इसके 55 लगा दिए। ये ब्लू हेवन की ब्रश वाली लिक्विड जो वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, ये भी आपको फेमस है ये। तो गाइस ये 100 की रेंज में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये 95 की आईशैडो है, ठीक है, ये भी आपके 100 की रेंज में मिलती है। ब्यूटी बेरी की आईशैडो है, ब्यूटी बेरी की है। तो गाइस मैंने ये सारा सामान ले लिया है यहाँ पे और अब मैं आप लोगों के साथ अच्छा सा लुक शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस अब हम मिलते हैं अपनी वीडियो में। बाय अंकल, बाय बाय। तो गाइस सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन की पेन स्टिक कंसीलर अपनी आईलिड पे एंड ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है एंड इसका प्राइस है जस्ट 95 रुपीज़। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड ये मक्खन की तरह ब्लेंड हो रही है गाइस, सीरियसली बहुत अच्छी ब्लेंड हुई है। उसके बाद मैं इसको सेट करूंगी ब्लू हेवन के कॉम्पैक्ट की हेल्प से, इसका प्राइस है जस्ट 70 रुपीज़। एंड ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लिटिल बिट पाउडरी है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है लगा मुझे ये भी। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ब्यूटी बेरी की आई शेडो पैलेट, उसमें से ये मैट रेड शेड लूँगी और इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी इस तरीके से गाइस, एक सॉफ्ट सा लुक देने के लिए पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड साथ ही साथ इसको ब्लेंड कर दूँगी।
दूसरी आई पे भी मैं इसी तरीके से इसको अप्लाई करूँगी। पहले अच्छे से अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आई मेकअप के लिए। उसके बाद मैं लूँगी ये डार्क मरून शेड, इसको अपने आउटर वी पे एंड अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। क्रीज को एंड आउटर वी को थोड़ा सा डार्क करूँगी मैं इस तरीके से। उसके बाद मैं लूँगी ये मॉवी पिंकी सा शेड है, हिंट ऑफ मरून, एंड इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। गाइस पूरी आईलिड पे सिंपली फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद तीन ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस ना लगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे आई शेडोज। उसके बाद अगेन मरून शेड लेके उसको अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी कलर को डार्क करने के लिए, ताकि एक अच्छा सा लुक आए आईज पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ हिलेरी रोडा का ग्लिटर लाइनर, ये मेरा फेवरेट है गाइस, और इसको मैं कट क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है अगर आप इस तरीके से आई मेकअप करते हो तो, और ये आपको 85 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्सेस अप्लाई की है, ये 10 रुपीज़ की है। ओलिविया का मैंने यहाँ पे आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आपको ब्लू हेवन भी मिल जाता बट ओलिविया मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, और इसको सिर्फ मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, बाद में मैं विंग बना लूँगी। विंग आईलाइनर वो मेरा बाद में प्लान बन जाता है अप्लाई करने का। उसके बाद वेट वाइप की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी जो भी फॉल आउट हुआ है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी रोज़ वाटर, डाबर का रोज़ वाटर, ये 15 रुपीज़ का है। एंड एज अ टोनर मैं इसको अप्लाई करूँगी, एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है टोनर के लिए, ये बहुत अफोर्डेबल में बहुत अच्छा है गाइज, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जॉय का ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ मैं, ये एलोवेरा वाला है, तो समर्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा लाइट वेट होता है एंड रिफ्रेश कर देता है आपके फेस को। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको फील होगा कि स्किन को कितना ज़्यादा स्मूथ बना रहा है, साथ ही साथ थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर देगा। उसके बाद मैं लूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल, और इसे एज अ प्राइमर मैं यूज़ करूँगी। एंड इसको सबसे पहले मैं अपने टी जोन पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन में मसाज कर लूँगी ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसको ट्राई करके देखो, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर बनाएगा। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड 02, एंड इसके साथ छोटू सा एप्लीकेटर आता है जिसकी हेल्प से अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करते हुए पूरे फेस पे एंड नेक पे इसको अप्लाई कर लिया। एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशन है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई बना देगा, पैची लगेगा। तो ड्राई स्किन वाले अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें। उसके बाद मैं सेम ब्लू हेवन की पेन स्टिक कंसीलर को अपने फेस के हाइलाइटेड पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ कंसीलर, एंड ये कंसीलर तो है ही, मैं भी पता नहीं क्या बोल जाती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ये सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है गाइज, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी, ये बिल्कुल ब्लू हेवन की पेन स्टिक की तरह ही है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला प्रोडक्ट। उसके बाद स्पिन्स का लूज पाउडर लूँगी, ये जस्ट 10 रुपीज़ का आता है, एंड इसकी हेल्प से अपने फेस पे बेकिंग करूँगी, तो मैं इसको भर भर के अप्लाई करूँगी। बेकिंग करने से क्या होता है गाइस, हमारा जो बेस है वो अच्छे से लॉक हो जाता है, आपका मेकअप 10 गुना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। उसके बाद मैं लूँगी ये आईब्रो पेंसिल, इसके साथ स्पूली भी आता है, और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, ये मैंने ली थी लोकल मार्केट से 20 रुपीज़ में। एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, पता नहीं क्यों मैंने इसकी स्पूली से ब्लेंड नहीं किया, चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो मैंने बेकिंग के लिए पाउडर लगाया था उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी, एंड अगेन ब्लू हेवन के कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने फेस को सेट करूंगी। एंड यू कैन सी गाइस ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, एंड ये बहुत अच्छे से सेट भी कर रहा है, थोड़ी बहुत कवरेज भी दे रहा है, बट हाँ ये पाउडरी है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ व्हाइट काजल, ये भी मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया था 20 रुपीज़ में। व्हाइट काजल से आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, आई मेकअप अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लूँगी मरून शेड और इसको अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर को हिलेरी रोडा के ग्लिटर लाइनर की हेल्प से हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक से अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, नोज़ को, जॉ लाइन को अच्छे से। एंड मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा मोटी है गाइज, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप कॉन्टोर नहीं करते, बट मैं करती हूँ। एंड इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ये भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से लूँगी ये पिंक शेड और इसे एज अ ब्लश मैं अप्लाई करूँगी। एंड यू कैन सी गाइज ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार वाला पिगमेंटेड है और ब्लश को ना हमेशा आपको स्माइल करते हुए अप्लाई करना चाहिए तो वो अपनी जगह पे अच्छे से अप्लाई हो जाएगा बिना कोई मेहनत किए। एंड नोज़ को एंड चिन पे भी थोड़ा सा अप्लाई करें। उसके बाद ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है एंड इसकी हेल्प से क्या करूँगी, क्या करते हैं लगाते हैं लैशेस पे, तो मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड ये मुझे किसी काम का नहीं लगा, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, ये बिल्कुल बेकार मस्कारा है, बट कोई बात नहीं, अब तो ले लिया था। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लू हेवन का शिमर पॉटी, ये तो बहुत ही धमाल का है गाइस, सच में जो मैं 10 वाला यूज़ करती हूँ ना ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो ये उससे थोड़ा महंगा भी है, ये 45 का है। एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड यू कैन सी हाईलाइट करने के बाद ना फेस चमक जाता है तो वो अलग ही मेकअप आपका दिखाई देता है। आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए अपने ब्राउ बोन को, इनर कॉर्नर को अच्छे से। उसके बाद मैंने लगा लिया है यहाँ पे विंग लाइनर ओलिविया के लाइनर की हेल्प से जो कि वाटरप्रूफ है। उसके बाद ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिपस्टिक ली है, शेड कौन सा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मॉवी पिंकी ब्राउनी मरूनिशा शेड है, मुझे नहीं पता पर बहुत अच्छा है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो या गाइज ये था मेरा आज का अंडर 100 रुपीज़ में रेड ग्लोई एंड ग्लोसी मेकअप। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।